अब 159वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में बिजली के विषय में कहा है, भावार्थ, जो मनुष्य उत्तम यत्न के साथ पृथ्वी और सूर्य मंडल के गुण कर्म स्वभाव को यथावत जाने, वे अतुल सुख से भूषित हों। भावार्थ, जैसे माता पिता लड़कों को अच्छे प्रकार पालन कर उनको बढ़ाते हैं, वैसे भूमि और सूर्य प्रजाजनों के लिए सुख की उन्नति करते हैं। भावार्थ, क्या भूमि और सूर्य सबके पालन के निमित्त नहीं हैं? जो पिता माता चराचर जगत का विज्ञान पुत्रों के लिए ग्रहण कराते हैं, वे कृतकृत्य क्यों न हों? भावार्थ, जो मनुष्य आप्त अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त हो, विद्याओं को प्राप्त हो, वह भूमि और बिजली को जान, समस्त विद्या के कामों को हाथ में आंवले के समान साक्षात कर औरों को उपदेश देते हैं, वे संसार को शोभित करने वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान जन जैसे द्यावा पृथ्वी और सब प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे सबको विद्या और धन की उन्नति से सुखी करें। इस सूक्त में बिजली और भूमि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 159वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 160वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में द्यावा पृथ्वी के दृष्टांत से मनुष्यों के उपकार करने का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जैसे सब लोकों के वायु बिजली और आकाश ठहरने के स्थान हैं, वैसे ईश्वर उन वायु आदि पदार्थों का आधार है। इस सृष्टि में एक एक ब्रह्मांड के बीच एक एक सूर्य लोक हैं, यह सब जाने। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है, भावार्थ, जैसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्यमंडल पालते और धारण करते हैं, वैसे माता पिता संतानों की पालना और रक्षा करते हैं। जो जलों और पृथ्वी व इनके विकारों में रूप दिखाई देता है, वह व्याप्त अग्नि ही का है, यह समझना चाहिए। भावार्थ, जैसे सूर्य समस्त लोकों को धारण करता और पवित्र करता है, वैसे सुपुत्र कुल को पवित्र करते हैं। भावार्थ, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने आदि काम जिस जगदीश्वर के होते हैं, जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार के कार्य को रचकर अनंत बल से धारण करता है, उसी को सब लोग सदैव प्रशंसित करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जन भूमि के गुणों को जानने वालों की विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते हैं, वे अत्यंत बल को पाकर सब पृथ्वी का राज्य कर सकते हैं। इस सूक्त में द्यावा पृथ्वी के दृष्टांत से मनुष्यों को उपकार ग्रहण करना कहा। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह 160वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 14 ऋचा वाले 161वें सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से मेधावी अर्थात धीर बुद्धि के कर्मों को कहते हैं। भावार्थ, जिज्ञासु जन विद्वानों को ऐसा पूछें कि हमको उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हो और कौन इस विद्या विषय में श्रेष्ठ बलवान दूत के समान पदार्थ है, किसको पाकर हम लोग सुखी होवें। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है, भावार्थ, जो विद्वानों की उत्तेजना से प्रश्नोत्तरों से विद्याओं को पाकर उसमें कहे हुए कामों को करते हैं, वे विद्वान होते हैं। पिछले प्रश्नों के यहाँ ये उत्तर हैं कि जो हम लोगों में विद्या में अधिक है वह श्रेष्ठ, जो जितेंद्रिय है वह अत्यंत बलवान, जो अग्नि है वह दूत और जो पुरुषार्थ सिद्ध है वह विभूति है। भावार्थ, जो जिसके लिए सत्य विद्या को कहे और अग्नि आदि के कर्तव्य का उपदेश करे, वह उसको बंधु के समान जाने और वह करने योग्य कामों को सिद्ध कर सके। भावार्थ, जो विद्वानों के समीप में उत्तम शिक्षा और विद्या को पाकर समस्त सिद्धांतों के उत्तरों को जान कार्यों में अत्युत्तम योग करते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। भावार्थ, जो विद्वानों की निंदा करें
विद्वानों में मूर्ख बुद्धि और मूर्खों में विद्वत बुद्धि करें, वे ही खल सबको तिरस्कार करने योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो बिजली के समान कार्य को युक्त करने, शिल्प विद्या के समान कार्य को यथा योग्य व्यवहार में लगाने, सूर्य के समान राज्य को पालने वाले, बुद्धिमानों के समान विद्वानों का संग करने और धार्मिक के समान कर्म करने वाले पुरुष हैं, वे सौभाग्यवान होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो मनुष्य अंगुलियों के समान कर्म के करने और शिल्प विद्या में प्रीति रखने वाले, पदार्थ के गुणों को जानकर यान आदि कार्यों में उनका उपयोग करते हैं, वे दिव्य भोगों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, वैद्य व माता पिताओं को चाहिए कि समस्त रोगी और संतानों के लिए प्रथम ऐसा उपदेश करें कि तुमको शारीरिक और आत्मिक सुख के लिए यह सेवन करना चाहिए, यह न सेवन करना चाहिए, यह अनुष्ठान करना चाहिए, यह नहीं, जिस कारण ये पूर्ण आत्मिक और शारीरिक सुखयुक्त निरंतर हों। भावार्थ, इस संसार में स्थूल पदार्थों के बीच कोई जल को अधिक, कोई अग्नि को अधिक और कोई भूमि को बड़ी बड़ी बतलाते हैं, परंतु स्थूल पदार्थों में भूमि ही अधिक है। इस प्रकार सत्य विज्ञान से मेघ के अवयवों का जो ज्ञान उसके समान सब पदार्थों को अलग अलग कर सिद्धांतों की सब परीक्षा करें, इस काम के बिना यथार्थ पदार्थ विद्या को नहीं जान सकते। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो पिता माता जैसे गौवें बछड़े को सुख चाहती दुख से बचाती वा बहेलिया मांस को लेके अनिष्ट को छोड़े वा वैद्य रोगी के मल को दूर करे, वैसे पुत्रों के दुर्गुण से पृथक कर शिक्षा और विद्या युक्त करते हैं, वे संतान के सुख को पाते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि ऊंचे नीचे स्थलों में पशुओं के रखने के लिए जल और घास आदि पदार्थों को रखें और अरक्षित अर्थात गिरे पड़े वा प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी अन्याय से लेने की इच्छा कभी न करें, धर्म विद्या और बुद्धिमान जनों का संग सदैव करें। भावार्थ, जब पढ़ाने वालों के समीप विद्यार्थी आवें तब वे यह पूछने योग्य हैं कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा निवास कहाँ है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, क्या पढ़ना चाहते हो, अखंडित ब्रह्मचर्य करोगे वा न करोगे, इत्यादि पूछ के ही इनको विद्या ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा देवें और शिष्य जन पढ़ाने वालों की निंदा और उनके प्रतिकूल आचरण कभी न करें। भावार्थ, बुद्धिमान जन जिस जिस विषय को विद्वानों को पूछकर निश्चय करें उस को मूर्ख निर्बुद्धि जन निश्चय नहीं कर सकें। जड़ मंद गति जन जितना एक संवत्सर में पढ़ता है उतना बुद्धिमान एक दिन में ग्रहण कर सकता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे सूर्य पवन भूमि अग्नि वायु अंतरिक्ष तथा वरुण और जलों का एक साथ निवास है, वैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुख युक्त और बलि होवें। इस सूक्त में मेधावी के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 161वां सूक्त और 6ठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 162वें सूक्त का आरंभ है, उसके प्रथम मंत्र में घोड़े और बिजली रूप से व्याप्त जो अग्नि है उसकी विद्या का वर्णन करते हैं। भावार्थ।